निर्देश दिए हैं, तो वहीं ये तस्वीर सरकारी विभाग की लापरवाही उजागर करती है। तो नजर आप देख रहे हैं, ये गाजियाबाद के श्याम पाती इलाके का है। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये कोई नाला नहीं है बल्कि कॉलोनी के बीच की सड़क है, जिस पर नाले का पानी भरा हुआ है। गंदगी इतनी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस गंदगी से कई तरह की बीमारियों का खतरा भी पैदा हो गया है। लोगों का आरोप है कि पास में नाले के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी रोड पर छोड़ दिया गया है। जो डेली अप डाउन करने वाले वो पैसेंजर हैं बेचारे, जो दिल्ली जाते हैं या गाजियाबाद कहीं और भी जाते हैं, वो इस गली से ना जाकर अब घूम घूम के उन बेचारों को जाना पड़ रहा है। समस्या इतनी बढ़ चुकी है। अगर ये तो अभी चलो बारिश का मौसम नहीं है, जब बारिश होती है ना तब ये पानी हमारे घरों में इतना बढ़ चुका होता है कि सारा सामान, जो बेचारे जिनका मकान नीचे है उनके घरों में पानी इतना भर चुका होता है कि बेचारे उनके सामान कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं सामान को, कहाँ बच्चों को ले जाएं, किस तरह से काम करें। ईवीएम हटाओ देश बचाओ यात्रा पर